प्रकृति कल डिस्कस की वहाँ प्रिंसिपल से और प्रभारी जी से बोली कि सर हम ये कॉलेज में जो भी मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र जी का जयंती हम मनाएंगे अपने बच्चों सबको बुलाएंगे हाँ। तो वो कहें कि तुम्हारा काम नहीं है तुम सिर्फ अध्यक्ष हो अपनी जगह तो प्रकृति उसके लिए शांत हो गई कि चलिए अच्छा हम नहीं मनाएंगे तो ये कल शाम को मतलब कि कल डिस्कस जब की तो फिर जब सुबह आई तो प्रकृति अंदर नहीं जा रही थी किसी प्रकार सभी बच्चों ने कहा कि आप एक प्रेसिडेंट हैं यहाँ की अध्यक्ष हैं महिला हैं तो आप चलेंगी शायद हम लोगों का भी मान हुआ कि लड़की है तो सामने आई है तो आप वहाँ आइए तो प्रकृति गई फिर वहाँ पे जब मतलब अपना भाषण देने लगी उन्हें जो भी कुछ कहना था वो जब कह रही थी तुम्हारे जो प्रभारी हैं रमेश चंद्र ओझा जी वो कह रहे हैं अरे नंबर एक की कमीशन खोर है हमें इसे कमीशन दिया हुआ है हाँ। उसे वो कमीशन खोर कहे तो वो कही अगर आप हमें कमीशन दिए हुए हैं तो लाइए कमीशन दिखाइए किस जगह दिए हैं हाँ। किस डेट पे दिए वो कमीशन का कोई प्रूफ दीजिए हाँ। तो उसको गालियां देने लगे उसके कपड़े को खींच करके बुरी तरह से प्रकृति को मारे शासन हाँ। प्रभारी उसके बाद जब हम गए तो हमारे कपड़े खींच के हमें मारे शासन प्रभारी रमेश चंद्र ओझा जी तो महिला पुलिस उस पर प्रकृति को बचा नहीं रही प्रकृति को बुरी तरह से महिला पुलिस ने उसका बाल खींच करके उसके चित पे नेल भी आया है नेल का निशान भी उसके बाल को पकड़ के बुरी तरह से खींच के महिला मारी यहाँ तक उसके साथ जो भी महिला थी वो सब लपट के प्रकृति को मारी है तो उसके बाद प्रकृति ने क्या किया प्रकृति जाकर के छात्र संभव में अपने आप को आग लगा ली तो इसको क्या अस्पताल लाया गया हाँ अस्पताल अभी बुलाया गया अनुसार ये है कि KBPP कॉलेज के डिग्री कॉलेज के लड़कों का कुछ मांग थी और उसी में उन लोगों ने किया था और उस सिलसिले में अध्यक्ष से और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके बीच में कोई बात हुई थी और जिसके लिए ले करके ये पता चला कि उन्होंने अपने आग लगा ली है जो हॉस्पिटलाइज हैं और बाकी ये जो सारी तहकीकात क्या है क्या नहीं है पूरा विस्तृत विवरण जो है इसके बाद ही में मिल सकता है।